पावरलूम धारकों के लिए खुशी की खबर, आज से टोरेंट कंपनी द्वारा दिए जाने वाले बिजली बिल में छूट दी जाएगी। इस संबंध में भिवंटी संघर्ष समिति की ओर से विधायक रईस शेख का आभार व्यक्त किया गया। दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं संघर्ष समिति के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा कि वक्त और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, इन्होंने टेक्सटाइल के बारे में हमको बहुत जानकारी दी, हमको सिखाया, और इसकी ही नतीजा ये हुआ कि सरकार ने हमको जो सब्सिडी आ रही थी उसके अलावा भी सब्सिडी दी। और वो जो सब्सिडी मार्च में आई तो एक दिक्कत आ गई कि सरकार के GR के अंदर ये शर्त थी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए। फिर एक लड़ाई लड़ी गई, सरकार ने उस सब जो शर्त थी उसको निकाला। निकालने के बाद सब्सिडी का GR नहीं निकल रहा था। सारे मरहले पास करके आज का जो दिन है, 11 तारीख है आज, आज टोरन के बिल निकलेंगे। इसमें GR आने के पहले जो बिल निकले हैं वो 13,200 है, लेकिन 7,800 बिल जो है प्रिंट होने से मैंने रोक दिया था जब मेरे से इश्तियाक भाई ने बात की कि हमको करंट बिल में ही उसका असर दो। जो प्रिंट नहीं हुए हैं उनको पहला इंस्टॉलमेंट अभी आ जाएगा, जो प्रिंट हो चुके हैं उनको नेक्स्ट मंथ में आएगा। 15 मार्च से लेकर अभी तक का जो बकाया है हमारा सब्सिडी एडिशनल, वो दो हिस्सों में आएगा। ये सब जो है कैलकुलेशन में इश्तियाक भाई को दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा ये है कि हर महीना एक 12-13 करोड़ रुपया भिवंडी के पावरलूम वालों को मिलेगा। और आज जो हमारी चर्चा हुई दो अहम मुद्दों पे हुई है कि लाइव मीटर में जो बकाया है उसको कैसा हैंडल करना, टोरेंट का जो PD है उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए PD स्कीम का, हमारे इंस्टॉलमेंट कितने होने चाहिए। अभी मैं संघर्ष समिति के लोगों से मैंने गुजारिश की कि आप एक दिन तय कीजिए जिसमें टोरेंट पावर, MSEDCL और जो भी अधिकारी इनको चाहिए उसको मैं एक कैंप के शक्ल में हम लोग बुलाएंगे, ताकि हम हमारा हर बुनकर, हर परिवार का व्यक्ति आकर अपने जो सवाल है उनसे पूछे और हल करे। आने वाले दिनों में नई सरकार जब आएगी इंशाल्लाह ताला हम दो चीज़ों पे कोशिश करेंगे कि परमानेंट टैक्स हमारे पावरलूम इंडस्ट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोरेंट पावर की जगह पे कैसे हम लाइसेंस वाला यानी कि वो कंपनी जो अपना पावर खरीदेगी और बेचेगी, जो जिससे हमारी बिजली सस्ती होगी। आज टोरेंट पावर जो खरीद रही है वो खरीद नहीं रही है, वो सरकारी खरीद रही है, और पूरे महाराष्ट्र की चोरी हम पर लागू करके हमसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लिया जा रहा है। और भी कई मुद्दों पे बात हुई। मैं फिर एक बार सबको मुबारकबाद दूंगा कि हमारे बिल में अभी एडिशनल सब्सिडी का इफेक्ट आना शुरू होगा, और उम्मीद रखिए इंशाल्लाह हम पावरलूम इंडस्ट्री के लिए सरकार के साथ मिलके, हमारी समिति के साथ मिलके और अच्छा काम करने का।